हमारे अनिरुद्ध जी को जिन्होंने नारायण मंत्र की शरणागति प्रदान की, वो गुरुदेव भगवान माधव सेवा के टीका के टीकाकार। हमारे पांडे जी गुरुजी से 3-4 साल बड़े, हाँ, तो गुरुदेव भगवान आने में असमर्थ हैं, तो उन्हीं की ओर से हमारे अनिरुद्ध जी का। और देखो प्रसन्नता की बात बताऊं, मैं बहुत ही थोड़े समय में गौरी गोपाल दिव्य वैदिक विद्यालय की स्थापना होकर के उसमें हमारे अनिरुद्ध जी का विचार है, उसमें 10,000 छात्र पढ़ा करेंगे। क्योंकि जिस ब्राह्मण के अधीन 10,000 ब्राह्मणों का पोषण होता है, महाभारत के अनुसार उसकी कुलपति संज्ञा होती है ना। मुनीनाम 10,000 अन्नदानादि पोषणात् अध्यापयेच स्वयं नित्यं सवई कुलपति स्मृतः। तो कुलस्य विप्रकुलस्य साधकुलस्य धेनुकुलस्य पतिः रक्षकः पापाने मने पारक्षणे से पति शब्द भी निष्पन्न होता है और पिता भी संपन्न होता है। इस प्रकार से, और देखो अभी पहले वानरों की सेवा और फिर नर की सेवा हमारे अनिरुद्ध जी के द्वारा। मने कोई भी ऐसा नहीं जो ये कह सके, रोगी शब्द जिज्ञासु मने जिनको विद्या की अपेक्षा है, किसी प्रकार की अपेक्षा वाले हैं, गौरी गोपाल भगवान की कृपा से वो सब संपन्न होंगे। और मेरे कई संदेश, क्योंकि मैं जानता हूँ व्यस्तता है, तो मैंने कह दिया था, कल अंगद गए थे हमारे पास में, हमने कह दिया केवल हम 1 मिनट का समय भी नहीं लेंगे, तो जो है और किसी भी प्रकार की कोई भी सेवा की आवश्यकता होती, सामाजिक धार्मिक, हमारे अनिरुद्ध जी का वचन है, बोले शरीर जो है, और देखो अभी कहा ना कि भागवत जी की कृपा और गुरुदेव की कृपा का प्रत्यक्ष फल देखो, औरों को नहीं मुझको देख लो, गुरुदेव और भागवत की कृपा से भगवान ने, भागवत जी ने वृंदावन में मेरा झोंपड़ा भी बना दिया है ना, इतनी बोलने की शक्ति दे दी कि इस लोग बांच लेता हूँ। और देखो हैं, सबकी कृपा से ये 108 ब्राह्मण जो हैं ये पाठ कर रहे हैं गुरुदेव के अनुष्ठान में। हमारे शिवम जो उस दिन आज बोल रहे थे, बड़े 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 धनाढ्यों को ये संभव नहीं होता कि अकेला व्यक्ति 108 ब्राह्मणों का अनुष्ठान करा सके, लेकिन इन्होंने, मैंने कि मेरा क्या है, मेरे सामर्थ्य ये नहीं कि वहाँ से आ सकूँ, मुझे तो ये ब्राह्मण पकड़ के ला के बिठाई देते हैं। तो ये सब ब्राह्मण और संतों की कृपा से जब हो रहा है, ये उन्हीं कृपा होगी तो एक बार नहीं है, 3-3 बार होता रहेगा है ना। सुखदेव जयंती, भागवत जयंती और गुरुदेव भगवान के ये वैकुंठ महोत्सव, इस प्रकार से तो आपका जो है, मैंने समय का सदुपयोग किया और आप जा कर के कथा करो। और महाराज जी कथा में हम अष्टमी जो है 29 तारीख की है, उसको हम आएंगे।